आप ही नगर पंचायत को ही देखिए, पहले हर जगह कूड़ा कबाड़ा फेंका रहता था, हर जगह जल जमाव रहता था। जब से ये नगर पंचायत बना है, जब से चुनाव हुआ है, जब से हम लोग आए हैं, सफाई पे एक प्रत्येक दिन सफाई हो रहा है, ध्यान हो रहा है। सरकार के तरफ से ये सफाई का अभियान चल रहा है, भारत स्वच्छ अभियान, जो कि हम लोग को आज से 17 शुभारम्भ किए हैं। स्वच्छता ही सेवा है नारा के साथ, और ये दो आज से लेके और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, और प्रतिदिन हम सभी का एक अलग अलग। पहले भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कहीं से कोई शिकायत नहीं, लोग भी जागरूक हैं कि गीला या सूखा कचरा हो सब मैंने अस्थायी रूप से रखते हैं, गाड़ी जाती है लेके जाती है, फेंकती है, सब अपना मैंने कचरा इधर उधर कोई नहीं फेंक रहा है, बहुत लोग जागरूक हैं। आप सभी का स्वागत है BSL लाइव में। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, नगर पंचायत गोपालपुर हमारी टीम पहुंची हुई है, और स्वच्छता अभियान के तहत एक मुहिम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं यह मुहिम 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। नगर पंचायत गोपालपुर के चेयरमैन और उप चेयरमैन एवं तमाम वार्ड पार्षद मौजूद हैं, साथ ही नगर पंचायत गोपालपुर के सभी कर्मचारी भी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं इस मुहिम के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है नगर पंचायत गोपालपुर में। क्या आप लोग लेकर घूम रहे हैं? ये सर हम लोग का एक सरकार के तरफ से ये सफाई का अभियान चल रहा है, भारत स्वच्छ अभियान, जो कि हम लोग को आज से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। सभी लोगों को, नगर पंचायत के लोगों को जागरूक करना है, बताना है कि कैसे स्वच्छ भारत को हम लोग रखेंगे, और सफाई पे ज़्यादातर लोगों को ध्यान भी देना है। जैसे कि मान लीजिए हम ही हैं, अपने आप को अगर सफाई नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है बीमारी होगा। उसी तरह घर घर जागरूक लोगों को कर यहाँ नगर पंचायत के लोगों को, जितने भी हैं हमारे, सभी को जागरूक करना है, सफाई सफाई सफाई। आज हमारे इसी के लिए आज हम लोग एक बड़ा रैली निकाले हैं, लोगों को बता रहे हैं कि स्वच्छता ही अभियान जो चल रहा है उस पर काफ़ी लोग ध्यान दें, और अपने घरों को सफाई रखें, अपने कपड़ों को सफाई रखें, अपने दुकानों को सफाई रखें। इसीलिए आज हम लोग एक ये सरकार की योजना चल रही है, मुमकिन हफ्ता दिन चलेगी, इसको हम लोग नगर पंचायत के लोगों को, आवाम को बताएंगे। अच्छा, आज से शुरुआत है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन खत्म होगा। चेयरमैन साहब, ये क्या क्या कार्य होंगे इसमें? जो है कार्य सफाई का है, तो ये जो हमारे आंगनबाड़ी है, स्कूल है, सभी लोग को हम लोग बुलाए हैं। प्रत्येक दिन प्रोग्राम होगा, लोगों को बताया जाएगा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसे आंगनबाड़ी चल रही है, स्कूल चल रही है ना, यहाँ बहुत स्वास्थ्य केंद्र चल रही है, सभी ऐसे लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के लिए। अच्छा, 2014 से शुरुआत हुआ था स्वच्छता अभियान, और आज 2024 हो गया, यानी 10 साल हो चुका है। इन 10 साल में क्या बदलाव आया है? बहुत सी बदलाव आया है। आप इन नगर पंचायत को ही देखिए, पहले हर जगह कूड़ा कबाड़ा फेंका रहता था, हर जगह जल जमाव रहता था। जब से ये नगर पंचायत बना है, जब से चुनाव हुआ है, जब से हम लोग आए हैं, सफाई पे एक प्रत्येक दिन सफाई हो रहा है, ध्यान हो रहा है, छिड़काव हो रही है, ब्लाचिंग जहाँ ज़रूरत पड़ता है ब्लाचिंग दिया जाता है, जहाँ दवाई की ज़रूरत होता है दवाई दिया जाता है, हर एक चीज़ पर हम लोग हर एक चीज़ पर ध्यान दिए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, पूरे भारत में देखिए आज कि स्वच्छता अभियान कैसा चल रहा है, तो आज स्वस्थ भारत को हम लोग को बनाना है, यह आपकी जिम्मेवारी है। संदेश रहेगा पूरे पंचायत, यह हम संदेश हमारे तरफ से यही रहेगा कि अपने अपने दुकानों को, अपने अपने घरों को, अपने अपने रोड नाला को सफाई पर ध्यान दें, जागरूक ये सरकार की तरफ से चल रही है। आप लोग भी हम लोग को साथ दें, हम आपके साथ। युवा हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे। क्या कहेंगे सर, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, अभी आप लोग प्रभात फेरी निकाले हुए? अभी हम सब आज शुभारम्भ किए हैं, स्वच्छता ही सेवा है नारा के साथ, और ये दो आज से लेके और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, और प्रतिदिन हम सभी का एक अलग अलग ही सभी कार्यक्रम है। जैसे कि हम सभी ने आज रोड नंबर ये SH89 का और वार्ड नंबर 1 का सफाई अभियान का आज पहला दिन है और शुभारंभ भी है। इसी तरह प्रत्येक दिन हम सभी वार्डों में साफ सफाई अभियान चलाएंगे। आज एक रैली के माध्यम से, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सभी जनता को जागरूक किया जा रहा है कि आप खुद स्वच्छ रहें, दूसरों को भी स्वच्छ होने हेतु प्रेरित करें और अपने आसपास की साफ सफाई करें। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग वार्ड नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं और वहाँ हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे। जनता
जनता को किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं? जनता को हम सभी घर घर सभी प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप सभी हम सभी जनप्रतिनिधियों के भी सफाई में भाग ले रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप इस महाअभियान में सम्मिलित होकर लोगों को भी प्रेरित करें और खुद भी सफाई पर ध्यान दें। हम सब लोग इसके साथ नारा भी हम लोगों ने लगाया है कि स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। हम सब ने यह ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। इन सब नारों के साथ हम सभी को भी अभियान के तहत आज नगर पंचायत गोपालपुर के वार्ड नंबर 1 में साफ सफाई की गई, वहीं साथ ही साथ तमाम जनता जनार्दन को जागरूक किया गया। नगर पंचायत गोपालपुर के वार्ड पार्षद धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी क्या कुछ कहेंगे, आज किस प्रकार से अभियान चलाया गया? देखिए सफाई के लिए विशेष अभियान 17 तारीख से चलाया गया और आज 1 तारीख तक सफाई का काम चलेगा, जिसमें 1 नंबर वार्ड चिन्हित किया गया था। हम लोग पब्लिक को भी जागरूकता कर रहे हैं कि हर एक वार्ड में भी सफाई होगा, प्लस और भी लोगों को जागरूकता करेंगे कि गांव बाई गांव होगा, मोहल्ला बाई मोहल्ला होगा और साफ़ सफाई का काम बढ़िया से चलेगा। अच्छा, इससे पहले चलिए, तो अभियान अभी चल रहा है, आज से शुरुआत हुआ है, इससे पहले नगर पंचायत में साफ सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? इसके पहले भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कहीं से कोई शिकायत नहीं। लोग भी जागरूक हैं कि गीला या सूखा कचरा हो सब मैंने अस्थायी रूप से रखते हैं, गाड़ी जाती है लेके जाती है फेंकती है, सब अपना मैंने कचरा इधर उधर कोई नहीं फेंक रहा है। बहुत लोग जागरूक हैं, पहले से बहुत सुधार हुआ है। क्या लग रहा है कि मिशन के तहत जो मिशन चलाया जा रहा है इसमें कितना लोग जागरूक होंगे? बहुत से लोग जागरूक होंगे, जब से नगर पंचायत हुआ है तब से मैंने बहुत मैंने लोगों का जागरूक किए हैं हम लोग कि भाई कचरा। मानते हैं कि जब से नगर पंचायत हुआ है काफ़ी सुधार हुआ है? बहुत सुधार हुआ है इसमें, तो मैंने हमारे चेयरमैन साहब भी खुद जाके और लोगों से बोलते हैं कि देखिए आप लोग इधर उधर चिमकी वगैरह मत फेंकिए, पोलोथीन बिक देते हैं लोग कि गुजरते हैं रास्ते से, अगर गोपालपुर नगर पंचायत में कहीं दिख जाता है अपना गाड़ी रोक के बोलते हैं कि आप लोग कहा है सब फेंकते हैं इधर उधर, डस्टबिन में डालिए, मेरा लेबर आएगा, हम लोग का NGO का आएगा, वो सब उठा के ले जाएगा, आप लोग साफ सफाई रखिए, यही सब। क्या क्या कुछ अपील करेंगे अपने वार्ड पर? हम लोग यही कहेंगे कि सब लोग अपना मैंने विशेष ध्यान दें इस पे, साफ सफाई पे, और इधर उधर कचरा ना फेंके। देखिए जनता का अगर सहयोग नहीं रहेगा तो साफ सफाई से कोई फायदा नहीं। नहीं, जनता का तो सहयोग रहेगा, हम लोग इसीलिए तो ये विशेष रैली निकाले हैं और जागरूक कर रहे हैं।